ये यहाँ की बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये कबाब भी लीटर के अंदर आया है, कोई बात नहीं कर रहा है, बस खाने पे ध्यान है और पका के खा रहा है। एक बोटी लेके फंसा हुआ है, ये बोटी, और ये भाई जान 10 बोटियाँ खा गए। हमारी गाड़ी हो गई है अचानक बंद, गाड़ी ख़राब हुई है, साइड पे लगाई है, तो एक बंदा आ गया, कहता है जी क्या मसला है। मैंने कहा इस तरह गाड़ी बंद होगी, एक मरतबा मैं चेक करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिशियन है। उसने कहा भी मैं लेके जाता हूँ आपको, मोटरसाइकिल निकाला उस बंदे ने फौरन। देखिए आप बंदे कैसे कैसे दुनिया में मौजूद है, और अच्छे लोग अभी भी दुनिया में मौजूद है, और बहुत ज़्यादा तादाद में। ऐसे दुनिया ये कायम है और चल रही है। उसने फौरन मोटरसाइकिल बिठाया, साथ ही एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान थी थोड़ा सा दूर, वहाँ पे ले गया। इलेक्ट्रिशियन ने फौरन मोटरसाइकिल निकाला और मेरे साथ आया, और उसने कहा कि जनाब आपके जनरेटर के अंदर को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ी सी एक तार है जो स्पार्क कर रही है, बेहतर ये है कि आप वापस अब पार्क पतन चले जाएँ, वहाँ जाके आप गाड़ी खड़ी करें, सुबह आप इलेक्ट्रिशियन को चेक करवा लें, तसल्ली करवा लें, अगर वाइंडिंग होती वाइंडिंग करवा लें या ठीक करवा लें इसको, रात के वक्त आप सफ़र ना करें, ये बेहतर है। यहाँ पे एक दूसरी बात मैं कहूँगा, एक्सपर्ट जो होते हैं उनकी राय को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, उनकी राय को पसे पुष्ट नहीं डालना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। वो आपको अच्छा मशवरा दे रहा है, एक बंदा एक वक्त में आपको अच्छा मशवरा दे रहा है, बेलॉस मशवरा दे रहा है, तो हम उसको कहें कि नहीं नहीं हम चलते हैं आगे को, ये होती है बेवकूफ़ी। बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए, डर भी सबको लगता है लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, बल्कि एक्सपर्ट के मुताबिक उसने कहा कि वापस चले जाओ, तो हमने फैसला किया कि हम वापस ही जाते हैं, कब हम वापस जा रहे हैं। सफ़र जैसा भी हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो हालत भी हो उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि या अल्लाह जो बेहतर हुआ वो हमारे साथ हुआ, कोई मसला नहीं है। पता नहीं कितने बड़े मसले से बचा लिया, कितने बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला ने बचाया, कोई अल्लाह ताला छोटा सा मसला छोटी सी परेशानी दे के बड़े बड़े मसलों से बचाते हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आदम कहो अल्हम्दुलिल्लाह, सब बच्चे कहो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम वापस पाक पतन की तरफ जा रहे हैं, पाक पतन तकरीबन यहाँ से 15 किलोमीटर रह गया। लेग पीस वगैरह या हांडी कढ़ाई वगैरह, फास्ट फूड या दूसरा सिस्टम देसी? अनस फास्ट फूड। हुमैना फास्ट फूड। हवा फास्ट फूड। आदम भूत। ओ फैसला हो गया जनाब, अब फिर फास्ट फूड के लिए हम चलते हैं आरिफ वाला की तरफ, एक फजेरिया गार्डन जगह है, खूबसूरत बनी हुई है, तो आपको चलें दिखाते हैं, चलें मेरे साथ। ये देखें, ये अब ये देखें, ये ट्राले जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट के बायस बनते हैं, ये रोड पे मोड़ना शुरू कर देते हैं रात को 1 बजे, जो गाड़ी आ रही होती है उसको आगे से जब लाइट्स पड़ती हैं उसको ये नज़र नहीं आते कई मरतबा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट का बायस बनते हैं। जनाब ये इनकी किताब है, इसको अच्छे तरीके से अगर बंदा पढ़े तो इम्तिहान में पास हो सकता है, लेकिन पैसे फिर भी देने पड़ेंगे। बहरहाल हमने चूज़ कर ली है, कुछ चीज़ें मंगवाते हैं और जैसे जैसे चीज़ें आएंगी आपको दिखाते जाएंगे। पहले आएगा पास्ता और फिर आएगा प्लेटर, साथ जिंगर और ब्रस्ट बर्गर आएगा साथ। जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक हम नमाज अदा कर लें।
माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा पास्ता आ गया। देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, लजीज लग रहा है। क्या बात है, फ्लेमिंग पास्ता तो बहुत ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है मैं ये टेस्ट कर लेता हूँ सारा। क्या ख्याल है आपका? ये हमारी दूसरी चीज़ बारबेक्यू प्लेटर आ गया है, जिसके अंदर विंग्स हैं, मलाई बोटी है, कबाब है और पराठा है, और साथ हमारे हॉट विंग्स हैं, और ये पड़ा हुआ है जनाब पास्ता। अब हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे मलाई बोटी को कि मलाई बोटी कैसी है। देखने में तो बहुत ही नर्म मुलायम लग रही है। आह, ये तो फौरन ही टूट गई भाई। चेक करते हैं इसको। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। ये कबाब भी प्लेटर के अंदर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आदमी सबसे ज़बरदस्त काम कर रहा है, किसी से कोई बात नहीं कर रहा है, बस खाने पे ध्यान है और पका के खा रहा है। इसको नहीं पता यहाँ पे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई बस सब ओके है। भाई जान, आपकी ये चीज़ मिस हो गई है भाई, ये भी आप खा रहे। हाँ भाई, कमाल है आप, यही रहे भाई जान। आप भी जाए जाए, मेरा बेटा है ये, उस वक्त से एक बोटी लेके फंसा हुआ है, एक बोटी, और ये भाई जान 10 बोटियाँ खा गया। बहुत स्पेशल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका सिर्फ नाम ही नहीं टावर, बल्कि ये वाकयातन ही टावर बर्गर है। ये वाला खाना कैसी है ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। सही आदमी है भाई। यार मसला ये है कि बर्गर अभी भी बाकी है, लेकिन बस हो गई है। आपने खाना है तो भाई आप खा सकते हैं, मेरी तो बस हो गई। टावर बर्गर है, मैं बताऊं कितने का है? सिर्फ 450 रुपये का, और इतने का एक थक्का सा बर्गर KFC का मिलता है, जो खाने के काबिल भी नहीं होता। बारबेक्यू प्लेटर खा के, ग्रिल टावर बर्गर खा के, उसके बाद ये कह रहे हैं कि आज मेरे से खाया नहीं जा रहा, मेरी खुराक बहुत कम है। हड्डियों से आप अंदाज़ा लगाएं अनस की खुराक कितनी कम है। ग्रिल टावर बर्गर खा गए, वैसे इनसे खाया नहीं जा रहा, बहुत मस्त। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ घर पहुंच गए, ये अल्लाह तेरा शुक्र है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।